नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ सागवान अकेडमी के पेपर में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अपन स्टार्ट कर दिया था अपने आज सेकंड टॉपिक राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में अपने स्थिति टॉपिक क्लियर कर लिया है। उसके बाद में अपन सर सूर्य के आधार पर अपन स्थिति पढ़ रहे थे, राजस्थान की स्थिति सूर्य है। तो अपने जो प्रथम बिंदु था सूर्यास्त और सूर्य थे वो अपन ने पढ़ लिया था। अपन पढ़ रहे थे सेकंड टॉपिक, उसका सेकंड पार्ट तिरछेपन और सीधेपन के आधार, तिरछेपन और सीधेपन के आधार पे राजस्थान की स्थिति। तिरछेपन और सीधेपन के आधार पे देखें तो ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप के जो नीचे वाला पार्ट है ये डूंगरपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा, ठीक है, दो जिले। तो ये जो कर्क रेखा है राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, ये डूंगरपुर के 2-3 किलोमीटर से और नीचे बांसवाड़ा से होते हुए ये गुजरती है। तो इसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। मेजर अक्षांश है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है। भूमध्य रेखा से किधर है? उत्तर की तरफ है। तो इसके आगे क्या लगेगा? नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। तो इस रेखा के ऊपर मतलब ये राजस्थान से होती है गुजरती है, इसके नीचे होता है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, इसके नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ लगेगा उसकी। वो कौन सी लाइन होगी? मकर रेखा। तो ये होगी आपकी मकर रेखा, मकर रेखा, ये होगी अपनी भूमध्य रेखा। फ्रेंड्स, अपन ये सभी स्टूडेंट सभी जानते हैं नॉर्मल कि जो सन होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा इसके बीच में ही रोटेट करता रहता है। कभी तो वो मध्य रेखा पे होता है और कभी कर्क रेखा पे होता है, इसके बीच में रोटेशन करता है। इसके आधार पर सूर्य की स्थिति के आधार पर इसका निर्माण होता है, ऋतु का निर्माण होता है। जब सूर्य साउथ के अंदर होता है, मकर रेखा की तरफ होता है, तो अपने क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है, शीत ऋतु होती है। और ये कब होता है? समर में होता है। अपन स्टडी करेंगे मकर संक्रांति जब अपन अक्षांश पढ़ेंगे तब। तो मकर मतलब ऋतु का निर्माण किसके आधार पे होता है? सूर्य की स्थिति जब परिवर्तित होती है तो उसके आधार पे ऋतु का निर्माण होता है। तो अपन ये पढ़ना चाहते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं, मान लो सन है, ये सन, तो सन तिरछेपन लगाया, तिरछेपन लगाया मतलब तिरछी नहीं बोली, सीधेपन लगाया मतलब सीधी नहीं बोली, सीधी तो बिल्कुल सीधी ये होगी, पन शब्द लगाया मतलब इसका उसमें कुछ सिर्फी नहीं है लेकिन सीधेपन ली हुई है। तो सीधेपन देंगे तो सबसे अधिक राजस्थान में तिरछी किरणें सूर्य की कहां पड़ेगी? ऊपर ही ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? गंगानगर। तो ये गंगानगर जिला, गंगानगर जिले में राजस्थान की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। और सबसे कम तिरछी किरणें कहां पड़ेगी? तो सबसे कम तिरछी किरणें कहां पड़ेगी? राजस्थान का नीचे वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, क्या सॉरी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में यदि अपन तिरछेपन को देखें तो सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी कहां पे पड़ती है? बांसवाड़ा में। और सबसे अधिक तिरछी कहां पड़ती है? गंगानगर में। फिर सीधेपन को देखें तो सबसे कम सीधेपन ली हुई कहां पे, मतलब सीधेपन सबसे कम कहां, तो सीधापन सबसे अधिक तो कहां है? बांसवाड़ा। मतलब अपन यदि सीधेपन को देखें तो सीधे ये एंगल तो रखती है लेकिन पीछे वर्ड कौन सा यूज किया अपन ने? पन, पन का मतलब सीधी नहीं है लेकिन सीधी स्थिति अपन मान सकते हैं। तो सबसे कम मतलब सीधेपन कहां ली हुई है? सबसे अधिक तो सीधापन यहाँ पे बांसवाड़ा में, ठीक है, सबसे अधिक। और सबसे कम कहाँ पे? गंगानगर में, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन यदि अपन देखें तो ये हो गया दो पार्ट में, मैक्सिमम अधिकतम, अधिकतम अधिकतम और मिनिमम न्यूनतम, तिरछापन सबसे अधिक कहां पे है? तो तिरछापन सबसे अधिक कहां पे है? गंगानगर में। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें राजस्थान के अंदर कहां पे पड़ती है? गंगानगर जिले के अंदर। इस कारण से क्या हो जाएगा? अधिकतम तिरछापन कहां पे है? गंगानगर में, गंगानगर में। सबसे कम तिरछापन कहां पे है? तो आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। अब रही सीधेपन, फिर अपन स्थिति किसके आधार पे देखेंगे? सीधेपन के आधार पे। तो सीधेपन को फिर अपन कितने भागों में डिवाइड करेंगे? फिर ये भी दो भागों में देखेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं अधिकतम
न्यूनतम। तो अधिकतम सीधापन देखे अपन, तो अधिकतम सीधापन देखे तो राजस्थान में अधिकतम मतलब सीधी किरणें कहां पड़ेगी, बांसवाड़ा, मतलब इसका उल्टा होगा, सीधापन तिरछेपन का क्या होगा उल्टा होगा, तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे अधिक सीधापन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बांसवाड़ा। और इसका क्या आंसर हो जाएगा न्यूनतम किसमें है, मिनिमम, सबसे कम सीधापन कहां पर है, तो गंगानगर, वो तिरछापन लिए हुई है तो सबसे अधिक तिरछी है, तो गंगानगर क्या है सबसे कम सीधापन। अब ये तो रहे ऊपर ऊपर के क्वेश्चन, यदि अंदर डीपली यदि क्वेश्चन जिलों की स्थिति के आधार पर क्वेश्चन यदि पूछे तिरछेपन और सीधेपन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए आरोही और अवरोही क्रम दे दे, तो इसके अंदर अपन स्थिति जिलों की स्थिति के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। पर आपको एक वैसे अपन जिले देख रहे जैसे नीचे वाला दे देगा आपको यदि बांसवाड़ा, फिर दे दे यहाँ से नागौर, फिर यहाँ से दे दे हनुमानगढ़, फिर दे दे यहाँ से गंगानगर, तो इनको अरेंज करवा सकता है। तो तिरछेपन के आधार पे सबसे अधिक तिरछेपन का प्रभाव होगा आरोही क्रम पूछ सकता है, उनका अवरोही क्रम पूछ सकता है, तो इस तरह मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो अधिकतर टेस्ट सीरीज वगैरह और जो कंपटीशन क्लासेज है वो दे रही है और वो कंपटीशन में भी आने लायक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है इसको अपन क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपन इसको भूल जाते हैं, राजस्थान का जो इधर वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या कर देते हैं भूल जाते हैं, तो अपना ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा होता है ये बांसवाड़ा, क्या झालावाड़, कौन सा है जिला झालावाड़। अब रही यहाँ पे अपनी लोकेशन देखे, तो यहाँ पे लोकेशन देखे तो ये नीचे वाला जिला कौन सा हो गया बांसवाड़ा, इसके ऊपर की तरफ कौन सा जिला है डूंगरपुर, कौन सा है डूंगरपुर, डूंगरपुर, फिर इसके ऊपर यदि अपन इधर देखे तो कौन सा जिला है प्रतापगढ़, ये कौन सा हो गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, फिर यदि इसके ऊपर देखे तो ये कौन सा जिला आ गया उदयपुर, और इधर चित्तौड़गढ़, तो ये उदयपुर और ये हो गया चित्तौड़गढ़, ठीक है। पर अपन को इसमें ये समझना है कि जो झालावाड़ की स्थिति है इधर अपन नेग्लेक्ट कर जाते हैं, इसको अपन भूल जाते हैं, और क्वेश्चन गलत करवाने के लिए अपन को तिरछेपन और सीधेपन के आधार पर इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो कि सबसे अधिक तिरछापन लिए हुए किरणों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो व्यवस्थित करने के लिए वो देगा तो सबसे पहले तिरछापन सबसे अधिक क्रम में करना है, ठीक है। अपन ये आरोही और अवरोही वर्ड देख लेते हैं, इसके अंदर दोस्तों एग्जामिनर बहुत ज्यादा इन वर्डों का यूज करता है, एग्जामिनर इन वर्डों से क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश करता है, और जो फ्रेश बंदे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं उनसे ये अधिकतर गलती होती है, तो इसको क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसको क्या कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोस्तों आपको ये असेंडिंग ऑर्डर और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये आपको क्या आपको हिंदी वर्ड याद नहीं रखना है, इसके अंदर कंफ्यूज से बचने के लिए आपको इंग्लिश वर्ड याद रखने पड़ेंगे। असेंडिंग और इंक्रीज ये वर्ड है अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं बोलते हैं जब संख्या बढ़ रही होती है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज असेंडिंग डिक्रीजिंग, तो असेंडिंग और इंक्रीजिंग का क्या मतलब हो गया ऊपर की तरफ बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, मतलब नीचे नीचे क्या आएगा छोटा, फिर क्या आएगा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो मतलब नीचे नीचे छोटा और उसके ऊपर बड़ा, तो ये हो गया अपना आरोही क्रम। फिर होता है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम क्या हो गया इसका उल्टा होना डिक्रीज होना, मतलब ऊपर ऊपर क्या होगा बड़ा, फिर नीचे नीचे क्या होगा छोटा, तो ये क्रम पूछा जाता है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मेन के आधार पे जो ये झालावाड़ वाला जिला है इसका जो ये बिंदु है ये पॉइंट है ना ये पॉइंट ये भाग उदयपुर से पहले शुरुआत हो जाती है, इसलिए अपन इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं, और वो तिरछेपन की स्थिति के आधार पे पहले उदयपुर रखता है फिर झालावाड़ रखता है, तो वो ऑप्शन अपन क्लिक करते हैं लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि पहले क्या आएगा झालावाड़ और फिर रहेगा उदयपुर, ये अपन क्वेश्चन फॉर्मेट में यदि इसको पूछा जाए तो अपन क्वेश्चन के आधार पे अपन देखें तो क्वेश्चन इसका इस तरह बना सकते हैं अपन तिरछेपन का तिरछेपन का
से बनता अवरोही क्रम ले लो, अवरोही क्रम व्यवस्थित करे जब सूर्य कर्क रेखा पर स्थित ये ऑप्शन बनाएगा, उसके अंदर अपन को ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना होगा कि पहले क्या आएगा, तिरछेपन का क्या पूछा, पहले वो तो तिरछापन पूछा, तो तिरछापन आते माइंड के अंदर अपन को क्या क्लियर करना है, सबसे अधिक तिरछापन कहां पे गंगानगर में, सबसे कम कहां पे बांसवाड़ा, तो मतलब अवरोही क्रम पूछा है। फिर ये तिरछापन हो गया, तिरछापन आपने समझ में आ गया क्यों होगा, तिरछापन देखना है ठीक है। फिर अपन को देखना है अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऊपर ही ऊपर क्या होगा बड़ा, फिर क्या होगा छोटा, तो मतलब अपन को ऊपर से ऐसे चलना नीचे, मतलब गंगानगर से शुरुआत करनी, कैसे जिलों की स्थिति अंदर से जिले कैसे थे, अपन को क्वेश्चन फॉर्मेट में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन को जिले कहीं से उठा के थे। ये कंक्लूजिंग पोर्शन वाला होता है कि झालावाड़ वाला पार्ट नीचे स्टार्ट हो जाता है, उदयपुर से पहले हो जाता है, ये भूभाग जो उदयपुर का भूभाग है उससे झालावाड़ का भूभाग नीचे, ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है थोड़ा बहुत ठीक है। तो सबसे अधिक तिरछापन इस भूभाग नीचे वाले पार्ट से देखेंगे ठीक है, तो गंगानगर में सबसे अधिक है, तो अपन जिले कौन से ले रखे हैं, इनका क्रम देख रहे हैं, ये नीचे वाले जिले इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अपन देखेंगे। तो ऊपर ही ऊपर जिला कौन सा होगा इनमें, चित्तौड़गढ़ में प्रभाव देखना है, तो वो वर्ड जो यूज है वो चिन्हों का यूज भी कर सकता है, सबसे अधिक इसमें हो गया चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद में आंसर क्या हो जाएगा अपना, चित्तौड़गढ़ के बाद में उदयपुर, क्योंकि झालावाड़ उदयपुर से नहीं जाता, इसका आंसर क्या आएगा उदयपुर, फिर क्या आएगा झालावाड़, झालावाड़ के बाद में क्या आएगा इधर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में क्या आएगा डूंगरपुर, फिर क्या आएगा बांसवाड़ा। तो ये जिलों का अरेंज करने से संबंधित क्वेश्चन यदि डीपली पूछे तो ये पूछा जा सकता है, और ये मोस्ट भी लग रहा है क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, अंदर से पूछे तो ये क्वेश्चन बनाता है। तो अपन ने स्थिति टॉपिक देखा था, स्थिति टॉपिक देखने के लिए अपन कहां से शुरुआत की थी, सबसे पहले संदर्भ बिंदु के आधार पर देखा था, फिर अपन सेकंड टॉपिक लिया था सूर्य के आधार पर, संदर्भ बिंदु एवं संदर्भ रेखा के आधार पर देखा, तो संदर्भ रेखाएं हैं दो, और कौन सी रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा, उसके बाद में संदर्भ बिंदु लिया था, संदर्भ बिंदु अपन ग्लोब पर विश्व के आधार पर टू लाइन नेसेसरी है, कितनी लाइनें जरूरी है, दो लाइनें जरूरी है, तो टू लाइन नेसेसरी है, तो टू लाइन का जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, उससे अपन स्थिति मेजर करते हैं, स्थिति मेजर करने के लिए फिर अपन को क्या होना चाहिए नॉलेज, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, तो दिशाओं का ज्ञान होने के लिए फिर अपन देखते हैं कि ग्लोब एवं विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो भूमध्य रेखा के आधार पर तो दो भागों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, आंसर क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान। फिर रहा बात कि जो ग्रीनविच रेखा थी, ग्रीनविच रेखा के आधार पर राजस्थान में लोकेशन क्या होगी, दो भागों में बांटा पूरी पश्चिम तो पूरी गोलार्ध। फिर रहा ग्लोब एवं विश्व के अंदर, ग्लोब एवं विश्व के अंदर अपन ने देखा तो क्रॉसिंग पॉइंट से अपन बैठे तो क्रॉसिंग पॉइंट से देखो राजस्थान की स्थिति क्या थी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उसके बाद में अपन ने क्या देखा, उसके बाद में एशिया महाद्वीप के आधार पे देखे तो उसकी स्थिति की क्या थी, चीन में उसका क्रॉसिंग पॉइंट था, उसकी स्थिति इधर थी साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी। उसके बाद में अपन यदि देखे तो इंडिया के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, इंडिया के अंदर ये सारा मैच डिग्री की स्थिति देखे इधर तो उत्तरी पश्चिमी, तो ये स्थिति अपने संदर्भ बिंदु है, संदर्भ मतलब रेखाओं के आधार पे देखी। फिर अपने सन के आधार पे देखा तो सन के आधार पे अपन दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पे, और एक अपन ने पढ़ा कौन सा ये तिरछेपन और सीधेपन के आधार पे, तो ये अपना सीधे जो स्थिति टॉपिक था बेस्ट हेडिंग अपन ने डाली थी इस टॉपिक के लिए वो अपनी कंप्लीट होती है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विस्तार, ऐसे वन बाय वन अपन क्लियर करते जाएंगे, और अपना टॉपिक है जो स्थिति है उस स्थान को कंप्लीट करना है। सेकंड अपन हेडिंग डाली थी अपनी कौन सी, सेकंड डाली थी विस्तार, विस्तार पढ़ने से पहले अपन को इसके अंदर अपन सब हेडिंग डाली थी अक्षांश और देशांतरों का नॉलेज होना चाहिए, तो अक्षांशीय विस्तार क्या पढ़ेंगे, अक्षांशीय विस्तार विस्तार अक्षांशीय विस्तार, फिर पढ़ेंगे अपन देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय
विस्तार, देशांतरी विस्तार। फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे मध्यगाम। तो विस्तार के अंदर तीन पॉइंट होंगे अपन, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार और मध्यगाम। अब आपको ये बता दें कि अक्षांश और देशांतरों की आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन अक्षांश की विस्तार लिखेंगे राजस्थान का, देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मध्य गांव। तो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं अक्षांश क्या है। अक्षांश के बारे में अपन यदि स्टडी करें तो अक्षांश ये अपना ग्लोब। सबसे पहले अपन अक्षांश की परिभाषा, जो इसकी डेफिनेशन है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो अक्षांश है ये भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये ध्यान रखो कि ये रेखा कहीं खींची हुई नहीं है। तो ये रेखा खींची कैसी है, काल्पनिक। कौन सा वर्ड यूज किया अपन ने, काल्पनिक। फिर उसके बाद में ये देखना है कि जो भूमध्य रेखा के समांतर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा कौन सी होगी, अक्षांश। तो अक्षांश की परिभाषा, पहली परिभाषा क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई समांतर रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश। पहली परिभाषा तो यह है समांतर, परिभाषा लिख लेते हैं हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी, अक्षांश। इसके अलावा भी परिभाषाएं हैं, वो परिभाषा ही देखी जाती है इसे खड़ी। तो वो कैसे देखी जाती है, कोणीय दूरी। बीएससी अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक डेफिनेशन होती है कोणीय दूरी। तो कोणीय दूरी कैसे देखते हैं, तो कोणीय दूरी के लिए सेंटर ऑफ पॉइंट होता है, इससे अपन देखते हैं ये टू लाइंस होती है, इसके जो ये दूरी होती है इसे क्या कहते हैं, कोणीय दूरी। तो कोणीय दूरी के आधार पर भी परिभाषा दी जाती है। तो कोणीय दूरी के आधार पर परिभाषा कैसे देते हैं वो मैं आपको समझा दूंगी, ये दूरी कौन सी है, कोणीय दूरी है, तो इसकी माप बताएगा। तो ये एक तरह ये दूरी है, ये क्या होगी, कोणीय दूरी। तो इसकी माप ये अक्षांशों में बताई जाती है, तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अक्षांश। तो वो कैसे होते हैं, जो ऊपरी पॉइंट है इसे क्या कहेंगे, उत्तरी बिंदु, इसे दक्षिणी ध्रुव पॉइंट कहते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की कोणीय दूरी की माप भी क्या होगी, अक्षांश, ठीक है। या ऐसी भी परिभाषा हो सकती है ग्रीनविच रेखा के, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष कोणीय दूरी, ठीक है। तो वो परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको समझ रहे हैं आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि टोटल कितने अक्षांश कितने हैं, तो जीरो ये कितना हो गया, एक खुद एक भूमध्य रेखा, उसके बाद में 90 डिग्री तक कहां जाते हैं, ऊपर, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये कितने हुए टोटल 90। फिर अपन देखते हैं कि नीचे की तरफ कितने हैं, तो नीचे 90 डिग्री साउथ, तो ये वाला कितने हो गए टोटल 90। तो इन सभी को अपन जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 90 180 और ये कितने हो गए 181। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए, तो टोटल अक्षांश कितने हैं 181। अब अपन देखते हैं कि सर इसके अंदर सारे अक्षांश है, लेकिन अक्षांशों को भी अपन दो टाइप से देखेंगे, अक्षांश रेखाएं हैं इनमें से और कुछ इसमें से क्या है, अक्षांश बिंदु है। तो ये जो 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, ये बिंदु ओनली फॉर रेखा नहीं है, ये ओनली फॉर क्या है, पॉइंट है। तो ये बिंदु हो गया उत्तरी ध्रुव, क्या हो गया, एक बिंदु है, अक्षांश बिंदु है। और जो नीचे की तरफ है दक्षिणी ध्रुव, ये भी क्या है, एक अक्षांश बिंदु है। तो टोटल अक्षांश बिंदु कितने हुए, दो अक्षांश बिंदु, अक्षांश बिंदु कितने हैं, दो अक्षांश बिंदु। अक्षांश कितने दो भागों में देख सकते हैं अपन, बिंदु और रेखाओं के रूप में। तो बिंदु कितने हैं, दो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बाकी इसमें से अपन घटाए तो कितने बचते हैं, 179। तो ये क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं,
अपन अक्षांश को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्षांश क्या चीज होती है। तो अक्षांश को समझने के लिए अपन ने ये देख लिया टोटल 181 होते हैं, दो बिंदु होते हैं और एक तो उनसे तो क्या होती है रेखाएं होती है। फिर अपन देखते हैं इनके बारे में नॉर्मल अपन यदि विशेषताएं देखें तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है आपस में समान होती है, सभी अक्षांशों के बीच में क्या होती है समान होती है और उसकी माप कितनी होती है 111 किलोमीटर। तो मतलब आप इसके बीच की दूरी देखो, इसके बाद इसके बीच की किसी की देखो कितनी रहेगी डिस्टेंस 111 क्या रहती है समान। तो आपको क्या करना पड़ेगा अक्षांश परस्पर क्या होते हैं समांतर होते हैं, समांतर मतलब जो समान दूरी में स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अक्षांश परस्पर समांतर होते हैं। कितनी दूरी होती है दो अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर। फिर अपन इनकी और स्टडी करें तो ये अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश, फिर ऊपर जाते हैं तो अपन छोटे छोटे अक्षांश हो रहे हैं, तो जो नॉर्थ पोल पे वो सबसे छोटा अक्षांश और जो भूमध्य रेखा है सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़ा हो गया ये सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा हो गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। फिर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 90 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ एंड उत्तरी ध्रुव, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया सबसे छोटा ध्रुव, दोनों ध्रुव हो गए। फिर अपन यदि इनके देखे तो ये वर्ड का निर्माण करते हैं अक्षांश आपस में ये किसी की तरह वैसे 3D के अंदर, यदि अपन इसका देखे ग्लोब को तो 3D के अंदर देखे तो गोल नुमा है, गोले की नुमा है संरचना, तो गोले की नुमा है तो संरचना एक पीछे की तरफ भी ऐसे ही वृत्त का निर्माण करती है। तो अक्षांश परस्पर किसका निर्माण करते हैं अक्षांश वृत्त का निर्माण करते हैं, अक्षांश किसका निर्माण करते हैं वृत्त का निर्माण करते हैं। तो ये अक्षांशों के बारे में नॉर्मल अपनी जानकारी थी, अक्षांश अपन ने समझ लिया अक्षांश वर्ड क्या है, इसके बाद में अपन कल समझेंगे देशांतर, देशांतर समझने के बारे में देशांतर लिख लेंगे, पहले इनका यूजेज भी पढ़ेंगे अपन इनके क्या यूजेज है, फिर अपन पढ़ेंगे देशांतर, तो देशांतर का भी यूजेज पढ़ेंगे, फिर अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे अक्षांश विस्तार क्या है देशांतर विस्तार क्या है मध्य क्या है। ठीक है ओके ओके फ्रेंड्स थैंक्स एंड ऑल फ्रेंड्स।